दोस्तों भारत के बड़े अरबपतियों की बड़ी कंपनियां अब भारत के अंदर एक ऐसे मार्केट के अंदर निवेश करने जा रही हैं जो मार्केट आने वाले 2030 तक लगभग एक दशमलव सात सात लाख करोड़ रुपए का होगा जी हां दोस्तों भारत की वो ऐसी चार कंपनियां हैं जो भारत के अंदर से चीनी ड्रोन्स बाजार को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी अगर हम आपको कड़वी सच्चाई बताएं तो देश के अंदर 60 टू 70 परसेंट ड्रोन चाइनीज़ इस्तेमाल होते हैं और वो अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज़ यूट्यूब क्रिएशन और भी बहुत सारी जगह पर लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है धीरे धीरे हम चाइनीज़ आयात या फिर कहें निर्भरता पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो ये बात करते हैं कौन सी वो चार भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है इसी के साथ में हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जहां पर आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट पेश किया जा रहा है उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन में किया है इस वीडियो के बाद आप वहां के वीडियोस जरूर देखिएगा तो दोस्तों अगर हम इस लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहली कंपनी है अदानी ग्रुप दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तीसरी है ऑस्टीरिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड फोर्थ इज डायनेमिक टेक्नोलॉजीज ये वो भारत की चार कंपनियां हैं जो भारत के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेंगी वैसे तो द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से हिसाब से माने तो यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत इन सभी कंपनियों को जोड़ा जाएगा उसके बाद मेक इन इंडिया मिशन के तहत प्रोडक्शन पूरा लोकलाइज्ड किया जाएगा साथ ही में रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि वर्ष 2030 तक ये बिजनेस 1.77 लाख करोड़ का तो होगा ही इसी के साथ में ये 60 परसेंट स्वदेशीकरण भारत को बना देगा और हम अभी निवेश के बारे में बात करें तो इस इंडस्ट्री में लगभग एक बिलियन यूएस डॉलर का निवेश होगा वैसे अगर आप इस आर्टिकल की रीड करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि चार भारतीय ड्रोन के निर्माण या बढ़ावा कंपोनेंट्स को, तो को इम्पोर्ट करके या फिर कंप्लीट ए टू जेड कंपोनेंट को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करके और उसको असेंबल किया जाना चाहिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा भारत के ऐसे इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम भारत माता की जय